चलिए इसी बीच में एक बड़ी जानकारी कानपुर से मिल रही है, बड़ी खबर है। कानपुर में शस्त्र लाइसेंस में फर्जीवाड़ा और फाइलें गायब होने का मामला है। एसआईटी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 40,000 फाइलों में से करीब 9,000 असला फाइलें गायब हैं, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। और एक दर्जन से ज्यादा कर्मचारी और अधिकारियों पर लटकी कार्रवाई की तलवार। देखिए बड़ी खबर ये कि एक दर्जन से ज्यादा कर्मचारी और अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। इन अधिकारियों और कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है, उजागर हुई है। एक साल से चल रही एसआईटी की जांच में तथ्य सामने आए हैं। 15 मई तक शासन को रिपोर्ट सौंप सकती है एसआईटी, ऐसी खबर है। और एसपी देवरंजन वर्मा के नेतृत्व में टीम लगातार जांच पड़ताल कर रही है। इसी पर अपडेट लेते हैं, हमारे सहयोगी रतीश त्रिवेदी जुड़ चुके हैं। रतीश, ये कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी संख्या में कर्मचारी और अधिकारियों की लापरवाही भी उजागर हो रही है पूरे मामले में, क्या डिटेल्स है बताएं। देखिए, एक साल पहले ये मामला निकल करके आया था जिसमें तमाम फाइलों में अनियमितता पाई गई थी, कुछ फाइलें गायब पाई गई थी। बिकरू कांड होने के बाद इस मामले पर काफी ज्यादा तफ्तीश से जांच बैठाई गई थी, एसआईटी जांच गठित की गई थी तमाम अनियमितताओं के बाद। एक साल से एसआईटी एसपी देवरंजन वर्मा के नेतृत्व में इस बात की जांच कर रही थी। और अब जो सूत्र हमारे बता रहे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि करीब 9,000 से ज्यादा की फाइलें जो है वो गायब है और उनमें अनियमितता पाई गई है। इस खबर के सामने आने के बाद ही काफी हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि एसआईटी की जांच लगभग पूरी हो चुकी है और एसआईटी अपनी जांच रिपोर्ट शासन को 15 मई के आसपास सौंप सकती है। ऐसे में ये भी निकल करके बात सामने आ रही है कि करीब एक दर्जन कर्मचारी और अधिकारियों की मिलीभगत में रही है तमाम अनियमितताओं को करने में। 40,000 से ज्यादा लाइसेंसी कानपुर शहर में है, उनमें से इतनी बड़ी संख्या में फाइलों में हेराफेरी और अनियमितता बरतने के बाद गायब होना बड़ी बड़ी बात निकल के आई। चलिए ठीक है रतीश, बहुत शुक्रिया आपका पूरी अपडेट के लिए।